फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन करना बताएंगे। अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करने नहीं आता है, आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन सीखने और समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख लिया है, उसके बाद भी आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग करने का सबसे आसान और सही तरीका बताऊंगा, जिससे आप किसी भी पैनल के अंदर या मोटर स्टार्टर के लिए या आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कर पाएंगे। फिर देखिए हमारा ये स्टार्टर काम कैसे करता है, मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, हमारा स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा टाइमर से 5 सेकेंड का टाइम पूरा होगा, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और हमारा मोटर डेल्टा में रन हो जाएगा। जब हमें मोटर को ऑफ करना होगा, यहाँ से हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, हमारा ये स्टार्टर कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसे वीडियो है जहाँ पे वो लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का शॉर्टकट कनेक्शन बताते हैं। अगर आप उस कनेक्शन के हिसाब से किसी पैनल के अंदर में जाके कनेक्शन करेंगे या कनेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे वो डिफरेंट कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम आपको कनेक्शन बताएंगे, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रॉपर कनेक्शन है, यही कनेक्शन हमारे पैनल के अंदर में होता है। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करना सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपको 3 कॉन्टेक्टर ले लेना है, जो कि एक मेन कॉन्टेक्टर होगा, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा, एक स्टार कॉन्टेक्टर होगा। वहीं आपका एक टाइमर लगेगा, एक स्टार्ट पुश बटन लगेगा, एक स्टॉप पुश बटन लगेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपका एक ओवरलोड रिले लगेगा, आप किसी भी टाइप का रिले यूज कर सकते हैं। आपका मोटर का जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको एक ओवरलोड रिले यूज करना है। और साथ ही यहाँ पे देखिए, हम कंट्रोलिंग के लिए एक MCB यूज कर रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को बना रहे हैं किसी भी पैनल के अंदर या किसी भी मोटर स्टार्टर के लिए, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि देखिए जो आपका ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का क्वाइल वोल्टेज कितना है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कॉन्टेक्टर का क्वाइल वोल्टेज 230 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे जो हम कंट्रोलिंग करेंगे वो फेस और न्यूट्रल से करेंगे, 230 वोल्ट से करेंगे। वहीं अगर आपका कॉन्टेक्टर का क्वाइल वोल्टेज 440 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, अलग अलग वोल्ट का क्वाइल वोल्टेज होता है, तो आप उतना ही वोल्ट से इसको कंट्रोल करेंगे। अगर आप पैनल के अंदर में जाके देखेंगे तो अलग अलग वोल्टेज से कंट्रोलिंग हुआ होता है। पहले आपको कॉन्टेक्टर का क्वाइल वोल्टेज चेक कर लेना है और उतना वोल्टेज से ही क्या करना है, आपको इसे कंट्रोल करना है। कनेक्शन सेम रहेगा तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। वही फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ एक्सिलरी ब्लॉक लगा हुआ है जो कि हमारा एक कंट्रोलिंग में यूज होगा। यहाँ पे देखिए, मेन कॉन्टेक्टर में हमने 2 NO का पॉइंट यूज किया है, डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर रहेगा उसमें आपका एक केवल NC का ब्लॉक लगेगा। वहीं जो स्टार कॉन्टेक्टर होगा इसमें एक NC का ब्लॉक लगेगा, एक हमारा NO का ब्लॉक लगेगा। वही फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये टाइमर है, आप यहाँ पे कोई भी टाइमर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास टाइमर है। इस टाइमर में देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिए 25, 26 और 28 दिया हुआ है, मतलब आप इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए 15, 16 और 18 दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर इसका एक पॉइंट खराब हो जाता है तो फिर आप एक पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट इसके अंदर है। आपके पास कोई भी टाइमर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने पहले से कुछ वायर को जोड़ के रखा है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से हमने फेस न्यूट्रल का 2 वायर जोड़ा है। जोड़ने के बाद देखिए, जो हमारा ये न्यूट्रल का वायर है इसको हमने क्या किया है, कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्शन किया है। हमारे कॉन्टेक्टर में 2 पॉइंट होता है, एक A1 एक A2, तो जो आपका A2 का पॉइंट होगा उसमें आपका जो भी फेस का कंट्रोलिंग होगा उसको क्या करना है, एक फेस डायरेक्ट जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, न्यूट्रल को यहाँ A2 में जोड़ा है और फिर यहीं से देखिए क्या है, इस कॉन्टेक्टर में भी कनेक्शन है और फिर यहाँ से लूप होकर क्या है, हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 में गया है, फिर यहीं से लूप होकर क्या है, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के A2 में गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक और काम करना है। देखिए जो आपका यहाँ पे एक टाइमर है, इस टाइमर में भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे A1 और A2 का पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको यहीं से क्या करना है, जो इस टाइमर का A2 का टर्मिनल है इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे देना है। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसको लूप कर दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये फेस सप्लाई है इसको हमने लिया है और लेने के बाद देखिए, जो आपका ओवरलोड रिले रहेगा, इस रिले का जो NC पॉइंट रहेगा 95 और 96, तो इसके 95 नंबर वाले पॉइंट में क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये 96 का पॉइंट रहेगा,
इसमें आपको क्या करना है, एक वायर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये एनसी का पुश बटन है, यहाँ पे देखिए हमारा दो टर्मिनल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है किसी भी एक टर्मिनल में इस वायर को लाके जोड़ देना है, ठीक है। मतलब 96 नंबर वाले पॉइंट से क्या होगा, हमारा एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल में एक वायर आके लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, फिर एक वायर को लेना है, और लेने के बाद देखिए जो आपका ये एनसी का आउटपुट रहेगा इसमें क्या करना है, आपको इस वायर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक स्टार्ट पुश बटन है, इसमें भी देखिए हमारा दो टर्मिनल है, तो आपको क्या करना है किसी भी एक टर्मिनल में इस वायर को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक वायर को लेना है, और लेने के बाद देखिए जो आपका ये स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट रहेगा इसमें क्या करना है, इस वायर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे टाइमर रहेगा, इस टाइमर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए A1 का टर्मिनल है, तो आपको क्या करना है इस वायर को यहाँ पे टाइमर के A1 वाले टर्मिनल में जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, 26 नंबर है, 28 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है, 18 नंबर है, तो आपको क्या करना है किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए टाइमर में हमारा होता क्या है, एक हमारा A1 का सप्लाई होता है और एक क्या होता है हमारा कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए जो हमारा ये टाइमर का A1 वाला पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा 25 नंबर का सप्लाई है और 16 नंबर आप किसी भी एक में ले सकते हैं, तो हम यहाँ 25 नंबर वाले को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 नंबर का जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे लूप कर देंगे, ठीक है। मतलब वो कॉमन पॉइंट है तो आपको उसमें भी सप्लाई देना होता है, तो हम क्या करेंगे A1 से ही 25 नंबर को सप्लाई दे देंगे। देने के बाद फ्रेंड देखिए अब हमारा यहाँ पे 26 नंबर है और यहाँ पे 28 नंबर है, ठीक है। टाइमर को देखिए यहाँ A2 में सप्लाई मिल गया, A1 में सप्लाई मिल गया, और जो टाइमर का कॉमन पॉइंट था 25 नंबर उसको भी यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये टाइमर है इसमें 25 नंबर और 26 नंबर NC का पॉइंट है और 25 नंबर और 28 नंबर NO का पॉइंट है, तो आपको क्या करना है स्टार कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए इस टाइमर का NC वाला पॉइंट यूज करना है, मतलब 26 नंबर को यूज करना है, और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए क्या करना है टाइमर का 28 नंबर यूज करना है जो कि NO का पॉइंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे दो वायर को लेंगे, लेने के बाद देखिए जो हमारा ये टाइमर का NC का पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे एक वायर को जोड़ेंगे जो हमारा ये 26 का पॉइंट है, और उसके बाद क्या करेंगे देखिए जब आपको स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है तो इसको क्या करना है इस वायर को पहले जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का NC रहेगा इसमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइमर का NC पॉइंट था 26 नंबर यहाँ से हमने एक वायर को जोड़ के डेल्टा के NC में जोड़ दिया है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे एक और वायर को जोड़ेंगे डेल्टा के NC के आउटपुट में, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद देखिए जो हमारा ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो यहाँ पे A1 टर्मिनल है इसमें यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए यहाँ से जो टाइमर से सप्लाई होगा पहले डेल्टा के NC में आएगा और डेल्टा के NC से होके तब हमारे स्टार के A1 में जाएगा, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वही फ्रेंड देखिए फिर आपको क्या करना है ऐसे ही फिर एक वायर को लेना है, और लेने के बाद देखिए जो आपका अभी टाइमर का यहाँ पे 28 नंबर का पॉइंट है जो कि NO का पॉइंट है यहाँ पे क्या करना है एक वायर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये स्टार में NC लगा हुआ है तो इस NC वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे इस वायर को लगा देंगे, ठीक है। मतलब स्टार को ऑन करने के लिए आपको डेल्टा के NC से होके सप्लाई देना है, और डेल्टा को ऑन करने के लिए आपको स्टार के NC से होके सप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 नंबर से हमने क्या किया है स्टार के NC में सप्लाई दिया है, और जो स्टार का NC का यहाँ पे आउटपुट रहेगा इसमें क्या करेंगे हम एक वायर को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखिए जो हमारा ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे A1 टर्मिनल रहेगा इसमें हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये इंटरलॉकिंग होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऐसे ही हम इसमें कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर दोनों कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे सप्लाई दे दिया है टाइमर से, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अब आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्या है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन करना है, उसके लिए फ्रेंड देखिए जो हमारा ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो NO पॉइंट है इसी NO पॉइंट से हम क्या करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे। फ्रेंड देखिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं जैसे हमारा ड्यूल स्टार्टर बनता है वैसे वो क्या करते हैं पहले मेन कॉन्ट्रैक्टर को चालू कर देते हैं उसके बाद स्टार डेल्टा को चालू करते हैं और बोलते हैं ऐसे ही हमारा कनेक्शन होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन होता है
उसमें क्या होता है, पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और स्टार से क्या होता है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर पहले कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तो आपको वहाँ पे यही बोलना है कि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और स्टार के साथ क्या होता है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी एनो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक एनो लगा है, फिर यहाँ दूसरा एनो लगा है और यहाँ भी क्या है, हमारा एनो लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एनो से तो आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा और जो दो एनो रहेगा ये आपका होल्डिंग के लिए यूज होगा। एक मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग होगा और एक आपका टाइमर का होल्डिंग होगा। उसके लिए फ्रेंड देखो होता क्या है, जो भी आपका यहाँ पे परमानेंट सप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एनसी के एक पॉइंट से यहाँ पे क्या किया है, एनओ का जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें सप्लाई दिया है, तो यहीं पे क्या करना है, आपको एक और वायर को जोड़ लेना है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान देना है, जो आपका ये एनओ स्विच का आउटपुट रहेगा यहाँ पे आपको वायर को नहीं जोड़ना है होल्डिंग के लिए, जो इसका इनपुट सप्लाई होगा जो आपके ये एनसी पुश बटन से आके लगा रहेगा इसी में क्या करना है, आपको एक वायर को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो आपका ये स्टार है, इस स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनओ का यहाँ पे एक्सिलरी पॉइंट है यहाँ पे क्या करना है, आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एनओ का पॉइंट रहेगा यहीं पे एक और वायर को लगाएंगे और देखिए जो हमारा ये दूसरा वाला एनओ है इसको हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। मतलब जितना एनओ है आपको क्या करना है, सारे एनओ के नीचे वाले पॉइंट में या ऊपर वाले किसी भी एक साइड में परमानेंट सप्लाई को दे देना है, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई भी नहीं बताएगा और आपको यहाँ पे बिना ड्रॉइंग का समझ में आ जाएगा, आप इसी हिसाब से कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले क्या किया था, स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कर लिया था, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने होल्डिंग के लिए क्या किया है, यहाँ पे स्टार के एनओ में क्या किया है, देखिए यहाँ पे परमानेंट जो हमारा सप्लाई है यहीं से देखिए हमने एक वायर को लिया है और यहाँ पे देखिए जो हमारा एनओ का पॉइंट है इसमें जुड़ा है, यहीं से हमने क्या किया है, दूसरे एनओ को सप्लाई दिया है और फिर यहीं से लूप करके तीसरे एनओ को भी सप्लाई दे दिया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए अब आपको क्या करना है, जो आपका ये स्टार का एनओ रहेगा, इस स्टार के एनओ में क्या करना है, आपको एक वायर को लगाना है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, इस एनओ में एक वायर को लगा रहे हैं और लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये मेन कॉन्टेक्टर रहेगा, इस मेन कॉन्टेक्टर के A1 में यहाँ पे सप्लाई देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, देखिए हमारे मेन कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिल जाएगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिलेगा, स्टार कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिलेगा और हमारे टाइमर को भी सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए इसमें हमारा सिंपल दो कनेक्शन और बाकी है जो कि हमारा होल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब होगा क्या, अगर हम इसमें होल्डिंग कनेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये सप्लाई क्या होगा, टाइमर को मिलेगा और टाइमर से क्या होगा, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चालू होगा, जैसे स्टार चालू होगा तो मेन भी ऑन हो जाएगा, लेकिन जब आप यहां से पुश बटन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका टाइमर का सप्लाई कट होगा और आपका स्टार्टर बंद हो जाएगा, चालू नहीं रहेगा। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें होल्डिंग सप्लाई करते हैं। उसके लिए फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर है, इस मेन कॉन्टेक्टर में यहाँ पे देखिए दो एनओ पॉइंट है जो कि हमने नीचे में यहाँ पे परमानेंट सप्लाई दिया हुआ है। आपको क्या करना है, किसी भी एक एनओ का जो आपका एक्सिलरी रहेगा किसी भी एक से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वायर को जोड़ना है और जोड़ने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइमर को होल्ड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो आपके यहाँ पे टाइमर का A1 पॉइंट है और 25 नंबर है, दोनों लूप है, तो आप इस वायर को चाहे तो A1 में भी जोड़ सकते हैं या 25 नंबर में भी जोड़ सकते हैं, दोनों में आपका क्या होगा, यहाँ पे परमानेंट सप्लाई रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 25 में जोड़ रहे हैं, मतलब आप A1 में भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी केवल हमारा टाइमर होल्ड होगा, अभी हमारा मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग बाकी है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए ऐसे एक छोटा सा वायर लेना है और जो आपका ये मेन कॉन्टेक्टर का दूसरा एनओ एक्सिलरी का पॉइंट रहेगा यहीं पे क्या करना है, आपको इस वायर को भी जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखिए जो आपका ये कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट रहेगा इसमें आपको यहाँ पे सिंपली लगा देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से क्या किया है, मेन कॉन्टेक्टर के A1 में दे दिया है और जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का दूसरा एनओ है यहाँ से हमने एक वायर को जोड़ के जो हमारा यहाँ पे टाइमर का A1 पॉइंट है और जो यहाँ पे A1 और 25 लूप है इसमें हमने क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा दोनों यहाँ पे होल्ड होगा और हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बराबर काम करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप मान लीजिए एक होल्डिंग रखेंगे और
और डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करेंगे तो बहुत बार क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका टाइमर खराब हो जाएगा और आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को चालू करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर सीधे चालू हो जाएगा पर स्टार डेल्टा कुछ भी चालू नहीं होगा, जिससे क्या होगा आपका मोटर जल जाएगा। तो कभी भी फ्रेंड्स क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम स्टार कॉन्ट्रेक्टर से मेन को ऑन करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा टाइमर नहीं काम किया, टाइमर खराब हो गया तो हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर चालू नहीं होगा, तो साथ ही हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर भी चालू नहीं होगा। वहीं अगर स्टार कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा तभी जाके हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्यों हम स्टार से मेन को चालू करते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, अब हम एक बार इसे चालू करके देखते हैं कि हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ से देखिए हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया है। जैसे ही टाइमर से 5 सेकंड का टाइम पूरा होगा देखिए हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा, स्टार कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, मेन यहाँ पे कंटिन्यू ऑन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोटर के हिसाब से टाइमर का टाइमिंग सेट करना है। आप चाहे तो यहाँ से घुमा के 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आप जितना टाइम चाहते हैं कि स्टार कॉन्ट्रेक्टर चालू होने के जितना देर बाद आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर चालू हो उतना टाइमिंग पे क्या करना है, आपको यहाँ से टाइमर को सेट कर लेना है। उससे क्या होगा, स्टार के उतना टाइम बाद आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर चालू हो जाएगा और फिर यहाँ से जब आप ऑफ करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, तो आप इस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं जैसे हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस वायरिंग कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।